टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुई टीम इंडिया। टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया की करारी हार, इंग्लैंड ने 10 विकेट से हराया। एक बार फिर टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में जाने से चुकी टीम इंडिया। दरअसल दोस्तों, आज टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया, जहां इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। केएल राहुल 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं रोहित शर्मा ने 28 गेंदों पर 27 रन बनाए। इसके बाद विराट कोहली ने 40 गेंदों पर 50 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव ने तेज गति से रन बनाने की कोशिश की, लेकिन वो 14 रन ही बना पाए। भारतीय टीम की ओर से हार्दिक पांड्या ने अंतिम ओवरों में तेजी से रन बनाए। उन्होंने 33 गेंदों पर 63 रनों की पारी खेली। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 20 ओवर में 169 रनों का लक्ष्य दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत धमाकेदार रही। जोस बटलर और एलेक्स हेल्स के सामने कोई गेंदबाज नहीं टिक पाया। इंग्लैंड के दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने मैदान पर खुलकर बल्लेबाजी की। भारतीय टीम की गेंदबाजी बिल्कुल साधारण नजर आई और इंग्लैंड ने 168 रनों का लक्ष्य केवल 16 ओवर में पूरा कर लिया। इंग्लैंड की ओर से कप्तान जोस बटलर ने 49 गेंदों पर नाबाद 80 रन बनाए, तो वहीं एलेक्स हेल्स ने 47 गेंदों पर नाबाद 86 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 7 छक्के लगाए। अब 13 नवंबर को इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।